काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और राजेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले लोगों को मारती है, उसके बाद मुआवजा देती है। इस सरकार में किसी के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। संविधान खतरे में पड़ गया है। संविधान बचाना है तो बीजेपी को हराना है। इनकी पार्टी का मुद्दा भी है बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। प्रयागराज से संवाददाता के पी वर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो किसी भी सरकारी संस्था ने आगे बढ़कर इन परिवारों को मदद करने का काम नहीं किया है, न किसी गैर सरकारी संस्था ने ही आगे बढ़कर इस कुनबे को मदद करने का काम किया है। आगे बढ़कर कोई काम करने का काम किया है तो वीडियो वॉलंटियर्स ने किया है। हम वीडियो वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए। मैं जय राम रागी बलिया उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए। डॉक्टर राजेश कुमार यादव, किस पार्टी से आप विधानसभा तैयारी कर रहे हैं? काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। हड़िया विधानसभा से हमारी तैयारी हो रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या होगा? हमारा मुख्य एजेंडा है कि भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। तो अभी लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर आपने जैसा कि देखा कई किसान एक पत्रकार की हत्या हुई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? लखीमपुर खीरी में तो बहुत गलत हुआ है। जो आप समझ लीजिए जो मंत्री का लड़का जो है गाड़ी चढ़ा दिया वहाँ पे किसानों के ऊपर, वो तो बहुत गलत हुआ है। अभी उन्होंने भाजपा वालों की नीति जो है बहुत गंदी है। भाजपा वाले ये नीति है कि पहले मारो फिर बाद में उनको मुआवजा दो। उनका ये कहना पहले मारो फिर मुआवजा दो। अगर मान लीजिए अगर घर के एक सदस्य मर गया तो मुआवजा से क्या मतलब उसको निकलता है? हाँ, मुआवजा से क्या मतलब? पैसा नहीं। तो अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में तो किसान का जो मांगे हैं मांगों को मैं पूर्ण करूँगा। और जो हमारे नौजवान साथी जो इस समय जूझ रहे हैं सबके जो सुनवाई होगी जो उनका सब है सब सारा सुविधा होगा।